स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी कि वाटर इमेज जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे रेलवे, SSC, बैंक, UPSC, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, जल प्रतिबिंब के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये इस प्रकार से जो दोस्तों फिगर वाले, पैटर्न वाले या फिर जो भी वर्ड या शब्दों वाले क्वेश्चन, दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टिक के द्वारा मात्र 10 सेकंड में हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चित्र को पानी में देखने पर कौन सा चित्र बनेगा। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें पानी में जो चित्र होता है दोस्तों, उसमें ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ बनता है, यानी कि जो ऊपर वाली साइड है वो नीचे बन जाएगी और नीचे वाली साइड ऊपर हो जाएगी। तो दोस्तों डायरेक्शन चेंज नहीं होती, एरो इस दिशा में है तो एरो इसी दिशा में रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों कट रहा है यहाँ पर एरो, तो और ये जो इस प्रकार की लाइनिंग बन रही है तो वो पानी के अंदर इस प्रकार की लाइन बन जाएगी। तो ऐसा डायग्राम जो है दोस्तों ए वाले ऑप्शन में ही ए यहाँ पर हमारे पास राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें आपको डायग्राम जो दे रखा है इस प्रकार से त्रिभुज और स्टार दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा किस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों इसका भी जो हिस्सा है वो आपके चेंज नहीं होगा, तो त्रिभुज जो है बस ऊपर का नीचे, त्रिभुज का जो आधार वाला हिस्सा नीचे था वो इस प्रकार से ऊपर चला जाएगा। और दोस्तों स्टार जो है ऐसा कैसे रहेगा, स्टार में सारे 5 साइड हैं स्टार की, तो 5 साइड वाला स्टार ये हो जाएगा और सी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें जो डायग्राम दे रखा है इसका, इसमें भी जो है ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे आने वाला है, तो इसमें तो वैसे आ ही नहीं रहा है। तीसरे में इसमें लास्ट वाले डी के अंदर ये जो हिस्सा है नीचे की तरफ आ रहा है, लास्ट में ये स्टार भी नज़र आ रहा है और ये नीचे का जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको वही जल प्रतिबिंब बताना है, तो ऊपर का हिस्सा नीचे चला जाएगा, नीचे ये जो डॉट नज़र आ रहा छोटा सा वो चला जाएगा ऊपर, तो यही आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपको वही पानी जल प्रतिबिंब बताना है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो नीचे दर्पण एक जो है यहाँ पर दर्पण है या जल है ये समझना आप, जैसे जल का प्रतिबिंब जो है दोस्तों नीचे की तरफ ही जल को माना जाता है अगर आपको नहीं दे रखा है, बाकी एक्स का मतलब ये है जो नीचे की तरफ जल है, तो दोस्तों ऊपर का नीचे की तरफ हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये बनेगा ही है। अब यहाँ पर त्रिभुज आप देख सकते हो ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, ऊपर की तरफ त्रिभुज था तो ये कुछ त्रिभुज ऐसा छोटा सा नीचे की तरफ बन जाएगा, फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ये हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है नीचे की तरफ त्रिभुज है तो ऊपर की तरफ बन जाएगा, और ये ऊपर की तरफ इस साइड है तो इस साइड ही रहेगा दोस्तों, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है, बस ये जो लेफ्ट राइट में है इसलिए चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये जो त्रिभुज थे ऊपर नीचे तो ये चेंज होंगे। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें भी आपको क्या चेंज करना, पहले तो इसका ऐसा कैसे ही रहेगा, अब आप देख सकते हैं ब्लैक वाला जो ऊपर दे रखा है ये तो चला जाएगा यहाँ नीचे की तरफ, ब्लैक वाला जो ऊपर दे रखा था वो नीचे, और ये नीचे की तरफ जो दे रखा है ना ब्लैक वाला वो चला जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ। उसके बाद बात करें तो इस साइड वाला जो है यहाँ पर इस प्रकार से एरो रहेगा, दोनों तरफ ऐसे ही इस प्रकार से रहेंगे, और उसके बाद दोस्तों जो लेफ्ट का राइट ये चेंज नहीं होता, इसमें मैंने पहले बता दिया था आपको कि जो जिस साइड पर है वो उसी साइड पर रहेगा, तो इसका ये साइड और इसका ये डायग्राम दोनों एक जैसे रहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इस प्रकार का बन रहा है, तो ये जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर तो इसमें वापस जल प्रतिबिंब भी बताना है आपको, तो इसमें भी ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इसके अंदर दोस्तों देखिए तो अगर ये इस प्रकार से ये बन जाएगा एस वाला हिस्सा,
उसके बाद जो नीचे वाला एरो था वो ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से ऊपर बन जाएगा एरो, और जो ऊपर वाला एरो था वो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो वो इस प्रकार से आ जाएगा। ये जो एरो है इस प्रकार से चला जाएगा और ये ऊपर की तरफ इस प्रकार से आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, इसके अंदर आपको शब्द दे रखे हैं और शब्दों का आपको जल प्रतिबिंब बताना है। तो इसके अंदर आप अगर आप देखो तो जो है अक्षर का लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता, केवल ऊपर नीचे चेंज होता है। डी ऐसा कैसे रहेगा, आई भी ऐसा कैसे रहेगा, और एस का दोस्तों ऊपर का हिस्सा जो है नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार से एस चेंज हो जाएगा, और सी जो है इस प्रकार से ऐसा कैसे रहेगा। इसमें आपको ऊपर का हिस्सा नीचे करना है, नीचे का ऊपर करना है, बस इतना सा चेंज करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइन की बात करें तो इसमें फ्रूट का दे रखा है, तो फ्रूट का किस प्रकार से आप चेंज करोगे, तो इसमें जो टी है दोस्तों वो टी का हिस्सा दोस्तों क्या बन रहा है हमारे पास, ऊपर बन रहा है तो नीचे आ जाएगा। आई ऐसा कैसे रहेगा, यू यू का जो खुला वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे, और आर का जो खुला वाला हिस्सा है वो हमारे पास नीचे की तरफ चला जाएगा, इधर ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ हो जाएगा। एफ वाला जो है वो भी इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार का अगर ऑप्शन आप देखो तो कौन सा राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर टू जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टेन, इसमें दे रखा है आपको ए वन एम थ्री बी। अब बी का जो ये घूमने वाला हिस्सा नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो जाएगी। अब थ्री जो है ऊपर का जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि आपका थ्री इसी प्रकार रहने वाला है, थ्री में कोई चेंज नहीं होगा। और एम जो है दोस्तों ये उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से, और वापस अगर एक की बात करें तो एक भी उल्टा होके इस प्रकार से हो जाएगा और ए इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर थ्री के अंदर है। तो टेन का थ्री ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियर दे रखा है, इसका बताना है आपको कि कौन सा चित्र बनेगा न्यूक्लियर के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि न्यूक्लियर आर जो है दोस्तों खुला हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है नीचे की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा इस प्रकार से। ए भी उल्टा हो जाएगा, ए का खुला हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ हो जाएगा। ई जो दोस्तों वो ऐसा कैसे रहेगा, और एल एल की बात करें तो एल का जो ये हिस्सा था इस प्रकार से बन जाएगा कुछ। सी ऐसा कैसे रहेगा, यू का मैंने बता दिया उल्टा हो जाता है, और एन भी जो है इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर डी यानी चार, चार जो है यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें ब्रिज दे रखा है। अब ब्रिज का ई जो है दोस्तों ई का जो ये हिस्सा ऊपर दे रखा है ना, ये हिस्सा हो जाएगा इधर नीचे की तरफ, फर्स्ट कंडीशन में तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, इसमें ऊपर की तरफ दे रखा है ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद जी, जी का जो हिस्सा है ना वो नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों क्यू, क्यू जो है डी, डी जो है वो क्यू में इस प्रकार क्यू के रूप में चेंज हो जाएगा, और आई भी उल्टा हो जाएगा, और एल इस प्रकार से हो जाएगा, और ये जो बी है वो ऐसे उल्टा पी बन जाएगा इस प्रकार से। तो ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर दो में नजर आएगा, यानी कि बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें आपको चित्र दे रखा है। अब इस चित्र को जल में देखने पर किस प्रकार से बनेगा, ये नीचे का जो गोला है सर्कल देख रहे हो ये चला जाएगा ऊपर, तो इन दोनों में तो ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर वैसे ही कट रहे हैं हमारे पास। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें फर्स्ट और सेकंड के अंदर, तो जो त्रिभुज है वो जो है त्रिभुज वो दोस्तों नीचे से ऊपर आएगा दोस्तों, तो इसकी स्थिति को परिवर्तित कर देगा, यानी कि त्रिभुज कुछ हमको इस प्रकार से दिखाई देगा, नीचे से ऊपर से नीचे आएगा तो त्रिभुज जो है इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज नहीं हो रहा है आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में, लेकिन सेकंड वाले में चेंज हो रहा है, तो बी यानी कि दूसरा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज जो है उसका भी ऊपर का हिस्सा नीचे जाएगा और नीचे का हिस्सा ऊपर जाएगा। त्रिभुज खुद तो जाएगा लेकिन त्रिभुज का खुद का हिस्सा भी ऊपर से नीचे चेंज होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है। इसमें अब जो जल प्रतिबिंब होगा आप देख सकते हैं ये जो आइज हैं, आइज में एक जो दोस्तों आइज सबसे पहले आइज को ही देख लेते हैं, इधर देखो
जो इधर इस प्रकार से ऊपर ब्लैक वाले आईज है ना, तो इस प्रकार से ये नीचे की तरफ हो जाएगी ब्लैक वाले आईज, और इधर नीचे की तरफ है ना तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगी। सबसे पहले यही चेक कर लो आप, और ये ऊपर के हिस्से में आएगी तो इधर नीचे के हिस्से में ये तो गलती हो जाएगा, और फिर इधर ये वाला सही हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। इन तीनों में जो है दोस्तों सेम आ रही है आईज। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो इसके अंदर ये जो चौकोर के अंदर कुछ इस प्रकार से बन रखा है, तो ये हिस्सा इधर नीचे की तरफ आएगा तो ये चौकोर इधर रहेगा, तो ये जो ब्लैक ब्लैक है वो इस साइड आ जाएगा। इस प्रकार इस साइड से ब्लैक ब्लैक केवल दोस्तों इन तीनों के अंदर अगर कंपेरिजन करें तो इसी के अंदर आ रहा है, और जो मुँह है इसके अंदर तो ब्लैक कर रखा है एक मुँह को, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, और इसके अंदर बाकी सही है दोस्तों। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ के अंदर सारी कंडीशन सही हो रही है, तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। रीजनिंग से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट हैं उसके अंदर मिल जाएंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके रीजनिंग के जितने भी सारे टॉपिक हैं उन सभी के वीडियो को देख सकते हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बिल्कुल सटीक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा दोस्तों सारे क्वेश्चन को समझाया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।